गोरखपुर जिले में कोरोना के मामलों में उछाल आ गया है। सोमवार को एक साल के मासूम व तीन महिलाओं समेत 24 लोगों में जानलेवा वायरस कोरोना की तस्दीक हुई। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े की सेंचुरी हो गई है। जिले में अब तक 104 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को संक्रमितों में बड़हलगंज के 12, बेलघाट के 4, पिपराइच के 3, सहजनवा के 2 के साथ ही गोला, चरगावा व खजनी के एक एक मामले सामने आए हैं। बड़हलगंज के चैनपुरा में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 12 मामले सामने आए हैं। दो दिन पहले इस गांव में एक व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई। इस गांव के एक साल के मासूम में कोरोना तस्दीक हुई। मासूम की मां भी कोरोना के चपेट में है। गांव में 10 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। बड़हलगंज के बेलसड़ी निवासी 25 वर्षीय युवक व 45 वर्षीय महिला और भीटी दुबे निवासी 31 वर्षीय युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। सहजनवा के 4 रवा गांव में 15 वर्षीय किशोर और 28 वर्षीय युवक संक्रमित हुए हैं। बेलघाट के सुखौर बुजुर्ग में एक 48 वर्षीय पुरुष और 45 वर्षीय महिला में संक्रमण की तस्दीक हुई। बेलघाट के बरपुरवा काजी के 62 वर्षीय बुजुर्ग और कुरी बाजार में 58 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना वायरस मिला है। पिपराइच के खजवा निवासी 38 वर्षीय युवक में दिल्ली से 20 मई को आया था। अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय पर क्वारंटीन था। पिपराइच के ही मथनिया जनेबी गांव निवासी 26 वर्षीय युवक मुंबई से 24 मई को लौटा था। तबीयत खराब होने पर दोनों को गीडा स्थित डेंटल कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। खजनी के सहरती निबहिया गांव निवासी 32 वर्षीय युवक मुंबई से 19 मई को आया था। तबीयत खराब होने पर 26 मई को इसे डेंटल कॉलेज लाया गया। भटहट के सिवई टोला डुमरी नंबर 1 निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति 17 मई को चेन्नई से आया था। जंगल धूसर के महुआ निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति 18 मई को मुंबई से आया था। तबीयत खराब होने पर 27 को इन्हें चरगावा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहां से 28 को जिला अस्पताल रेफर किए गए थे। वही इनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर मुंबई से लौटे हैं। इसके अलावा दिल्ली व चेन्नई से एक एक युवक लौटे हैं। सभी संक्रमितों को गाँव सील कर दिए गए हैं। उनके संपर्क की पहचान की जा रही है। सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया है। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 104 हो गई है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। अब तक 25 ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज और रेलवे अस्पताल में 72 का इलाज चल रहा है।